मोदी की तारीफ करने चले थे भजन लाल, जनता ने सीएम साहब को ही लपेट लिया। भजन लाल शर्मा का लटका मुंह जब जनता ने मांग लिया सारा हिसाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। बेचारे करने कुछ अच्छा जाते और हो बुरा जाता है। कभी मंच से अटल बिहारी वाजपेयी की जगह है पीएम नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, तो कभी कभी पर्ची वाले सीएम होने के चलते लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में इससे पहले तो किसी सीएम की इतनी ज्यादा फजीहत तो इतिहास में नहीं हुई होगी, वो भी उसी जनता के हाथ हो जिसने उसकी पार्टी को वोट दिया हो। एक बार फिर से राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा जनता के हाथों बुरे तरीके से ट्रोल हो गए। इस बार पीएम मोदी की तारीफ करना भजन लाल शर्मा को भारी पड़ गया। जी हाँ, भजन लाल शर्मा एक्चुअली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ में एक वीडियो शेयर किया और 2014 से पहले देश कैसा था और अब कैसा है, इस अंतर को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए भजन लाल शर्मा ने एक्चुअली सोशल मीडिया पर लिखा, एक गरीब माँ का बेटा ही देश भर की करोड़ों माताओं की तकलीफें समझ सकता है और उन्हें दूर कर सकता है। उदाहरण आपके सामने है। इस वीडियो में बीजेपी की योजनाओं जैसे हर घर तक जल पहुंचाना और मोदी की गारंटियों के बारे में भरपूर तारीफ की गई थी। अब जनता भड़क गई कि आप तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश के लिए आपने क्या किया, उस प्रदेश के हालात क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और आप भी नहीं दे रहे हैं। अब जनता ने भजन लाल शर्मा को ट्रोल कर दिया, जिसमें खासकर युवा थे जिन्हें ना तो रोजगार मिल पाया और ना ही वो इस सरकार से खुश है। श्रवण कुमार बिश्नोई नाम के यूजर लिखते हैं, अगर समझ सकते हो सीएम साहब तो एक समस्या हमारी भी दूर कर दो। मामला ये है कि कोई भी भर्ती की जब वेटिंग निकाली जाती है तो उसमें ओबीसी एसटी एससी एमबीसी की पोस्ट पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है और ये कहां का न्याय है, कोर्ट ऑर्डर दिखाओ अदर स्टेट का और मेरिट भी देख लो। हितेश बागड़ा नाम के एक यूजर ने लिखा, मुख्यमंत्री महोदय आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी माताजी की पेंशन का वार्षिक सत्यापन अटका हुआ है जो नहीं हो पा रहा है, सब जानकारी सही होने के बावजूद ऐसा हो रहा है, ब्लॉक स्तर से लेकर जयपुर योजना भवन तक चक्कर लगा चुके हैं, पीपीओ नंबर 08075941 है। पंकज कुमार बैरवा नाम के यूजर लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सरकार बदलने से ही भर्तियों पर रोक लगा देना उचित है, अगर नहीं तो परिणाम जारी होने के 213 दिन बाद भी आरएसबी भर्ती का डीबी क्यों नहीं हुआ, अगर सरकार बदलती है तो इसमें बेरोजगारी की क्या गलती है। हेमचंद महावर नाम के यूजर लिखते हैं, मुख्यमंत्री साहब जी नमस्कार, खवा रानी जी ग्राम पंचायत तहसील जम्वा रामगढ़ जिला जयपुर में पानी की गंभीर समस्या है, आपके राज्य में भी 3-4 दिन में गांव में पानी की सप्लाई होती है, पानी की बहुत किल्लत है, कृपया इस किल्लत से निजात दिलवाएं गांव वासियों को। तो भजन लाल शर्मा की इस पोस्ट पर कोई भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है, ऐसा क्यों ये सभी जानते हैं। इन कमेंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि राजस्थान का हर वर्ग परेशान है, चाहे वो महिलाएं हो या फिर युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन भजन लाल शर्मा मोदी का गुणगान करने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि जनता इतनी भड़की हुई है। भजन लाल शर्मा की सरकार से जनता को उम्मीदें थी रोजगार हाथ लगेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जनता निराश हुई और नाराज भी हुई। हालांकि भजन लाल शर्मा को पद संभाले अभी कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी उन्हें थोड़ा समय और देना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, क्या भजन लाल शर्मा को अभी थोड़ा और समय देना चाहिए, या फिर अगर भजन लाल चाहते तो अच्छे से पूरे स्टेट में काम कर सकते थे। अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।